नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था लेकिन बनाना पड़ रहा है। उसका रीज़न क्या है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, इससे आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, मैंने दो दिन पहले अपने चैनल पर, जो चैनल का नाम है टेक्निकल अग्राव, उस पर मैंने एक पोल डाला था जिसमें आपसे पूछा था BC149 ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट कौन सा है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। उसमें मैंने तीन ऑप्शन दिए थे, जिनमें पहला था KTC 1815 ट्रांजिस्टर, और दूसरा था 2SA 1815, और तीसरा था 2SC 2689। ये तीन ट्रांजिस्टरों के लिए मैंने उसमें पोल दिया था। तो बहुत से लोगों ने, और सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने उस पर गलत कमेंट या गलत वोट किया है। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बच्चे लोगों को शायद पता नहीं है कि BC149 जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी जगह पर हम कौन सा ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो यही बात आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा। कुछ एक लोगों ने इस पर सही आंसर किया है, सही वोट किया है, तो ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर मैं आपको बताना चाहूँगा। 149 जो ट्रांजिस्टर होता है तो ये NPN ट्रांजिस्टर होता है, और इसका यूज एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। और आपने देखा होगा जो भी एम्पलीफायर हैं उन सब में इसी का यूज किया जाता है। कोई सा भी एम्पलीफायर हो उसमें एम्पलीफिकेशन के रूप में 149 ट्रांजिस्टर का ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो ये क्यों यूज किया जाता है तो मैं बता दूँ, 149 ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिस्टर माना जाता है, और ये सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर होता है। तो इसकी जगह पे कौन सा हमें लगाना है, मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ट्रांजिस्टर किस किस काम में लिए जाते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो मैंने पोल में दिया था वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले पोल में दिए गए ट्रांजिस्टरों के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला था KTC 1815। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KTC 1815 ट्रांजिस्टर है ये, और ये BC 147 इसकी जगह पे लगा सकते हैं। NPN है, BC 147 भी NPN है, और KTC 1815 भी NPN है। और इसका काम क्या है, देखिए, जनरली पर्पज़ में इसका यूज़ किया जाता है, ये एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। अब आप, मैं दूसरा ट्रांजिस्टर आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये एक ट्रांजिस्टर है 2SC 2229, वीडियो आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। VF 422 वीडियो आउटपुट है। ट्रांजिस्टर NPN और PNP होते हैं, लेकिन उनका काम अलग अलग होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2N3055 AF स्विचिंग के लिए, ये AF एप्लीकेशन के लिए। ये देख सकते हैं 2SC 1187 RF एप्लीकेशन, और भी बहुत ट्रांजिस्टर हैं। देखिए, BC 338 AF एप्लीकेशन। क्योंकि NPN और PNP दो ही तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग होता है। तो जो मैंने बताया 149, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए, ये रहा BC 149, ये एम्पलीफिकेशन के लिए सबसे अच्छा ट्रांजिस्टर होता है। और इसकी जगह पे हम कौन कौन सा लगा सकते हैं, देखिए, 2SC 2689 जो कि लास्ट में था, उस पर लगभग 9% लोगों ने ही वोट किया था। इसके अलावा दूसरा है 2SC 2634S, ये वाला भी हम लगा सकते हैं। मतलब एम्पलीफायर में अगर ट्रांजिस्टर 149 लगा हुआ है और वो हमें नहीं मिल रहा है, तो इसकी जगह पे हम ये 2SC 2689 और 2SC 2634S ये लगा सकते हैं। और ये भी अगर नहीं मिल रहे मार्केट में, तो हम BC 549 भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक एम्पलीफायर है, उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कौन सा लगा है। देखिए, ये वाला एम्पलीफायर है, DPS 770 एम्पलीफायर है। इसमें ये देखिए, आप खुद देख लीजिए, 2SC 1815। देखिए, 2SC 1815, ये दो ट्रांजिस्टर इसमें आप देख रहे हैं। तो ये एम्पलीफिकेशन के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। जनरली पर्पज़ में यूज़ किए जाने वाले ट्रांजिस्टरों का अगर हम एम्पलीफायर में यूज़ करेंगे, तो हमारा एम्पलीफायर की जो
ऑडियो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये जैसे FM ओसिलेटर स्टेज के लिए BF195, ये तो इनका काम अलग अलग होता है, कोई ट्रांजिस्टर स्विचिंग के लिए होता है, कोई वीडियो आउटपुट के लिए होता है, और कोई ट्रांजिस्टर देखिए जनरल पर्पज़ के लिए होता है, तो सब ट्रांजिस्टरों का काम अलग अलग होता है, तो हमें वही ट्रांजिस्टर लगाना होता है तभी हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो अच्छे से काम करता है। जो ये ट्रांजिस्टर 149 है इसकी जगह पे दो ट्रांजिस्टर ये आप लगा सकते हैं, 2SC26 निवासी, 2SC26 34S, और इसके अलावा 549 भी लगा सकते हैं। अगर ये दोनों तीनों ट्रांजिस्टर फिर भी नहीं मिल रहे हैं तो आप इसकी जगह 2SC1815 भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको एम्पलीफायर में दिखाया है। तो दोस्तों यही था वीडियो में, दोस्तों आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।